हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल आते रहता है कि जब एग्जाम नहीं हो रहा है तो पढ़ाई, मतलब होता है ना, मन आदमी का नहीं करते रहता है कि पढ़ाई करे या नहीं करे, पढ़ाई से मन थोड़ा सा उब जाता है या एग्जाम डील हो जाता है या रिजल्ट थोड़ा सा खराब आने लगता है। तो रिजल्ट तो सोचता है लेकर यार क्या पढ़े, रिजल्ट ही नहीं हमारा आ रहा है तो कैसे पढ़े हम। तो इसी का सारे हम शॉर्ट आउट करने वाले हैं, क्या क्या आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करे तब क्या करे, कैसे अपने पढ़ाई को रनिंग में लाए ताकि आपका पढ़ाई और आपका बेहतर हो सके, तो उसी सब के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ाई में मन नहीं करे तो आपके लिए सबसे बड़ा एक होता है कि आप क्वेश्चन सेट जरूर लगाएं। क्वेश्चन सेट का मतलब ये होता है मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट होता है या ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है या ऑफलाइन टेस्ट, कुछ भी आप लगाएं। इससे क्या होता है कि मैंने भी अक्सर देखा है, मैं भी यही करता हूँ कि जब पढ़ाई का मन नहीं करता ना, जब क्वेश्चन सेट आप लगाएंगे तो आप एक सेट जब लगाएंगे टाइमर सेट करके, तो देखिएगा आपका पता चलेगा कि आपका किस मतलब कंडीशन में आपका चल रहा है, मार्क्स आपका कितना आया, ज़्यादा जा रहा है या कम आ रहा है, किस टॉपिक में ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि आदमी के मन में थोड़ा सा ये चलता है कि नहीं, हमको मतलब नंबर कम आ रहा है, थोड़ा इम्प्रूव करना है। एक सेट बनाइए, उसको बढ़िया से रिविजन कीजिए, उसको फिर उसको देखिए कहाँ पे गलती रहा, फिर आप एक दो दिन बाद फिर टेस्ट लगाइए। डेली अगर नहीं लगा सकते तो डेली लगाइए, डेली लगाइएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन डेली लगाने के बाद उसको एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। आप डेली करेंगे तो एनालिसिस कर शायद आप नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से, तो आप डेली नहीं करके एक दिन बीच कर दें तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। और साथ में क्या होता है कि आप कुछ मोटिवेशन वगैरह भी, कुछ कोट्स वगैरह होते हैं जो आप लिख कर रखें, जो आपको पढ़ने से होता है आपको लिए अंदर से प्रेरित करें। कोई आपको अगर ताना वगैरह देती है टोले मोहल्ले में या गाँव में, तो ये आप लिख के रखें, उसकी सेम बातों को आप लिख के चिपका दें कहीं दीवार पर, जैसे आपको ये लगे कि हाँ ये लड़का हमको, ये आदमी हमको ऐसा चैलेंज कर रहा है तो हम इसको दिखा देंगे जॉब लेके। और एक जॉब के भरोसे नहीं रहे कि हमको मुझे सिर्फ रेलवे में ही तैयारी करना है तो रेलवे में जाएंगे। रेलवे में देखिए आपको इंग्लिश नहीं पूछता है, इसके अलावा जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, तो ये साथ साथ आपका स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम होता है, उसमें भी यही सेम प्रोसेस रहता है, इंग्लिश नहीं रहता है। तो आप इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो आप ये साथ में जब लेके चलेंगे तो आपको दोनों कवर हो जाएगा वहाँ से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और SSC की तैयारी अगर आप इंग्लिश है तो SSC की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, या आप अलग अलग टाइप का अगर एग्जाम अगर देते हैं तो आपको एक अगर एग्जाम मान लीजिए रिजल्ट नहीं क्लियर होगा तो दूसरा आपका फटाक से क्लियर हो सकता है कहीं ना कहीं। हम ऐसे करते थे, एक एग्जाम के भरोसे नहीं रहता था, मैं बहुत सारा एग्जाम देता था, लगभग 30-40 मैंने फॉर्म भरा था लगभग, और उसके बाद मैंने 20-25 लगभग एग्जाम मैंने दिए होंगे, जिससे मेरा 4-5 एग्जाम का रिजल्ट क्लियर भी हुआ था जब ज्वाइनिंग के समय। तो इससे एक फायदा होता है कि कहीं ना कहीं आपका होता है ना, अगर जाला पर फैला के रखेंगे तो कहीं ना कहीं मछली आपका फंसना ही है। तो ये होता है, अब छोटा भी कोई पढ़े जॉब मिले तो उसको जरूर ज्वाइन कर दे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों, अगर आप अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओली बोर्ड पे अभी लाइव फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जो 5 से 6 मार्च के लिए एक्टिव है। और ये ऑलरेडी फ्राइडे को रात से शुरू हो जाता है हर वीक में, और सैटरडे को दिन भर रहता है, संडे को भी दिन भर रहता है, और शाम 7 बजे तक वो खत्म हो जाता है। मतलब 2 दिन आपको मिलता है पूरा मौका, जिसमें आप SSC CGL का Tier 1 का दे सकते हैं और RRB NTPC CBT 2 का भी दे सकते हैं, जो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। और ये ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट है, जिसमें क्या है कि पूरे इंडिया के बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं, और इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि आपका ऑल इंडिया में रैंक कितना आया, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा है, SSC CGL Tier 1 दिखेगा और RRB NTPC CBT 2 दिखेगा। इसमें आपको RRB NTPC 2 पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि ये 6 मार्च आज है और 7 PM तक अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप SSC CGL की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इससे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर नीचे आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से लाइव मॉक टेस्ट दे देना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। और क्वेश्चन सेट लगाने के साथ साथ जो आपका चैप्टर कमजोर हो जाता है उसको किसी भी बुक से कवर कर ले। और अभी फिलहाल रेलवे की जो NTPC का जो नोटिस वगैरह जो आया था तो कमेटी को रिपोर्ट सौंप दिया गया है और पेपर में न्यूज आ चुका है, तो हो सकता है आपके लिए बड़ी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अभी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, हो सकता है फिर से रिजल्ट दे दिया जाए, तो रिजल्ट अगर दे दिया जाए तो हो सकता है आपके चांसेस रिजल्ट में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आप अभी से तैयारी करते रहे, और कट ऑफ आपका कम भी जा सकता है, काफ़ी कम हो सकता है, तो आपका चांस है कि इसमें रिजल्ट अगर आ जाए तो आपको CBT 2 दे। और CBT 2 तो हमको लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही ले लेगा रिजल्ट के बाद, तो आपके पास समय बिल्कुल कम है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहेगा। और अभी तैयारी करना जरूरी है क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम भी 2-3 महीने 4 महीने में ले सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर NTPC होगा तो ग्रुप डी भी ले लेगा, तो ये लग रहा है ऐसा, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी है, क्लियर तो इतना जल्दी नहीं करेगा, लेकिन प्री अभी एग्जाम ले लेगा, उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा NTPC का, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेडिकल होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, सेम ग्रुप डी में भी होता है, तो घीचेगा वो लंबा, लेकिन 1.5-1.5 साल तो लग ही जाएगा प्रोसेस में, लेकिन एग्जाम तो जरूर करवा देगा, क्योंकि 2-3 साल अभी तक हो गया एग्जाम पे, तो एग्जाम अभी तक हो नहीं रहा है,
तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, रनिंग में रहेगा। पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक बार रिवीजन अगर छूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए रेगुलर बना के रखें, रेगुलर मेंटेन बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं बहुत दिन से तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस बार ऐसे भी सिलेक्शन ले लेना है हाल में कैसे भी करके, क्योंकि बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको जब तक अच्छे से नहीं तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अफसोस करेंगे कि अरे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप पढ़े नहीं थे तो रिजल्ट आपको होगा नहीं। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट आपका क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।